बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हार के कारण क्या रहा है इस पर बात कर रहे हैं जबकि मतगणना भी शुरू नहीं हुई। इतना डिमोरलाइज क्यों हो गई पार्टी? मुझे नहीं पता कि आपने ये आकलन कैसे किया है कि पार्टी डिमोरलाइज है। एक कलेक्टिव कोहेसिव कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट की तरह हमने चुनाव लड़ा था। हमारा आधारभूत स्तंभ जो इस चुनाव का था वो नारा था मैं नहीं हम। वो जितना जनता के लिए था उतना ही पार्टी के लिए भी था कि हम सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हार हो या जीत हो दोनों में मैं तो ये कहूंगी कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत। बहुत बढ़िया रागनी नायक, बहुत बढ़िया। आपने रागनी नायक दो सूचना दूं। पहली सूचना कि अमेठी में राहुल गांधी दूसरे नंबर पर है, जो आपके मुखिया होने वाले थे अभी मुखिया नंबर दो है वो नंबर दो पर है। दूसरी बात, आपने तीन शब्द अच्छे इस्तेमाल किए, कलेक्टिव कोहेसिव एक और शब्द आपने किए। इस यूनिट की तरह आप लोग चुनाव लड़े और आप कोई हौसले के साथ आप लोग चुनाव लड़े। आपके हौसले का अंजाम जनता ने ये दिया कि 67-70 पर आप निबट रही हैं, कलेक्टिव भी कोहेसिव भी हौसला भी, नतीजा 67-70। तो फिर कहां चूक होगी? हुआ क्या रागनी नायक? अजीत जी, इलेक्शन कमीशन ने तो अमेठी की सीट पर अभी तक आंकड़े दिखाए नहीं है। मैं भी अभी उसको चेक कर रही थी, मुझे मालूम नहीं कि ये सूचना कहां से आ रही है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं दूंगी जब तक नतीजा नहीं आएगा। तो इलेक्शन कमीशन के की बात है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर राहुल गांधी आगे है रागनी नायक? नहीं, उस पे कुछ दिखाया नहीं जा रहा है जहां तक दिखाया जा रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरा सवाल बहुत अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर के मुताबिक स्मृति ईरानी 376 वोटों से आगे चल रही है। चलिए रागनी नायक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। लेकिन अजीत जी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा में विपक्ष के सीट के लिए भी या विपक्ष का नेता बनने के लिए भी 54 मिनिमम सीटें चाहिए। बाल बाल एक तरह से कांग्रेस पार्टी उस विपक्ष के दायरे से भी नीचे। लेकिन यही स्थिति कांग्रेस के अभी राजस्थान और दिल्ली में यही हो गई थी, विपक्ष नेता की हैसियत नहीं रह गई। लेकिन चलिए एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, जो ताजा तस्वीरें बन रही है उसके मुताबिक 542 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 542 सीटों 41 सीटों